हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भाई स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर। तो भाई मुझे बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और ज़्यादातर सबके प्रॉब्लम यही हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन तो करते हैं पर उनकी स्ट्राइक बार बार टूट जाती है। वो लक्ष्य तो साध लेते हैं पर बार बार फेल हो जाते हैं। कहने का मतलब ये, तुमने लक्ष्य साध लिया, तुमने कह दिया कि मैं आपसे ब्रह्मचर्य पालन करूँगा पर ज़्यादा सारा 5 दिन 10 दिन 15 दिन कर पाते हो। बहुत से तो कमेंट्स मुझे ऐसे भी आए कि हमने 2 महीने किया 3 महीने किया और हमने रिलैप्स कर दिया और अब हम फिर शुरू कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल आसान नहीं है। भाई देखो, किसी काम को आपने 2 महीने तक लगातार किया, उसके बाद आपने उस काम को छोड़ दिया और उसी काम को फिर दोबारा से शुरू करना, वो बहुत मुश्किल होता मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। आपने कंटिन्यू कर लिया 2 महीने, उस काम के लिए खूब मेहनत करी, कोशिश करी पर आप हार मान गए और आप वापस से वहीं आ गए जहां आप थे। आप फेल हो जाते हो बार बार, तो ये भाई सोचो, ये बहुत बड़ी बात है यार, बार बार फेल हो जाना। क्योंकि यार बहुत दुख होता है अंदर से कि इतने दिन किया भी हो और फिर फेल हो गए और फिर वहीं आ गए और फिर दोबारा स्टार्ट करना, जो कि आसान नहीं होता। दोबारा शुरू करना कुछ भी आसान नहीं होता यार। चलो 5 दिन 10 दिन 15 दिन तो ठीक है और 2 महीने बाद रिलैप्स कर देना और फिर वापस वहीं आना और फिर शुरू करना, ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसमें करे क्या, करा क्या जाए। तो भाई देखो, आपको अंदर से मजबूत होना होगा, अंदर से मजबूत ब्रह्मचर्य पालन के लिए। जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं होते, अपने आप को मजबूत नहीं बनाते, अपना जो इरादा है वो पक्का नहीं करते, तब तक आप बार बार ऐसे ही हारते रहोगे। डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, डरो मत, बस खुद को मजबूत बनाओ अंदर से और लक्ष्य साध लो भाई। आपको ज़िद करनी होगी कि आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है 1 साल तक, ज़िद बनानी होगी, कोशिश करनी होगी ब्रह्मचर्य पालन करने की 1 साल। अंदर से मजबूत होना होगा, जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं हो, आपका मन कमज़ोर है, तब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर बार बार रिलैप्स कर दे रहे हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू करो। पर अगर 2 महीने बाद फिर रिलैप्स कर देते हो तो उसका मतलब आप अगर 4 महीने भी कर लेते हो ब्रह्मचर्य पालन तो उसके बाद भी रिलैप्स कर सकते हो, मुमकिन है। जब 2 महीने में कर दिया तो 4 महीने भी रिलैप्स कर सकते हो, ऐसा मुमकिन है। तो मेरे भाई अगर 2 महीने हो गए तो ज़िद पड़े रहो मेरे भाई। देखो असल में होता क्या है, हमारे मन में विचार आता है कि चल आज से नहीं कल से शुरू कर देंगे, आज कर लेते हैं और कल से फिर शुरू कर देंगे। ऐसे ही 2 महीने बाद भी आपके साथ ये होता होगा कि यार 2 महीने हो गए, कर लेता हूँ, कोई परेशानी नहीं होगी, फिर शुरू कर दूँगा। तो उससे भाई अगर आप सोच रहे हो कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो भाई परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। क्योंकि भाई ये सोचना ही गलत है कि जी 2 महीने हो गए, अगर मैं हिला देता हूँ, रिलैप्स कर लेता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर उससे दिक्कत होगी आपको, क्योंकि आप जहाँ से शुरू किया था आप वहीं आ जाते हो बार बार, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो भाई अपनी पहले सोच को भी बदलो, आपके लिए ज़रूरी है अपनी सोच को बदलना। जब तक अपनी सोच नहीं बदलोगे, अपने आप को मजबूत नहीं करोगे 1 साल ब्रह्मचर्य पालन के लिए, तब तक कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। अपने आप को मजबूत आपको बनाना होगा। मैं सिर्फ मोटिवेशन दे सकता हूँ पर मजबूत आपको बनना है अंदर से। जब तक अंदर से मजबूत नहीं हो, अपनी सोच को नहीं बदलते कि आज थोड़ा रहने देता हूँ, कल से स्टार्ट करूँगा, या 2 महीने हो गए कोई बात नहीं, रिलैप्स कर देता हूँ, फिर शुरू कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक इस सोच को नहीं बदलोगे ना, तब तक खुद को नहीं बदल पाओगे। तो सबसे पहले भाई जो सोच है ना, इसको बदलो कि रिलैप्स कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, कल से शुरू करूँगा, इस सोच को बदलो। और 2 महीने हो गए रिलैप्स कर देते हो ये सोच कर कि कोई बात नहीं, 2 महीने तो हो गए, 3 महीने तो हो ही गए, रिलैप्स कर देता हूँ, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, फिर शुरू कर दूँगा। तो भाई इसी सोच को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई, इस सोच को बदलो, अपनी सोच को बदलो और ख़ुद को अंदर से मजबूत बनाओ, अपने मन को, अपने आप को। आप कर सकते हो भाई, कर सकते हो आप, इतना कहो खुद से भाई कि आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में, आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो 1 साल ब्रह्मचर्य पालन हो। तो भाई निकलो इस एडिक्शन से बाहर भाई,
और करो ब्रह्मचर्य पालन, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, आपकी लाइफ बदलने वाली, मैं कह रहा हूँ। मजबूत बनाओ खुद को मेरे भाई, अपनी सोच को बदलो और ख़ुद को अंदर से मजबूत बनाओ एक साल ब्रह्मचर्य पालन के लिए। जब कर लोगे ना फिर देखना मेरे भाई, ज़िंदगी बदलने वाली है और बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, बहुत कुछ। तो बना लो भाई ख़ुद को अंदर से मजबूत, और आज से ही ज़िद कर लो कि एक साल ब्रह्मचर्य पालन करना है आज से ही, और बिल्कुल रुकना नहीं है मेरे भाई। कोई बात नहीं, अगर 5 दिन 10 दिन में फ़ेल हो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, फिर शुरू कर दो। पर अगर 2 महीने बाद फ़ेल हो जाते हो तो दिक्कत है, क्योंकि आप फिर 3 महीने में भी हो सकते हो। तो आपको अगर स्ट्राइक आपकी 2 महीने की बन गई है तो इसको बनाए रखो, अपने मकसद से पीछे नहीं हटना है भाई। हमारा मकसद है 1 साल ब्रह्मचर्य पालन, और इस मकसद से हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। 1 साल ब्रह्मचर्य पालन पूरा करेंगे, 1 साल मकसद बना लो अपना भाई 1 साल ब्रह्मचर्य पालन का। खुद को अंदर से मजबूत कर लो मेरे भाई, और अपनी सोच को बदल दो कि रिलैप्स कर देता हूँ, रिलैप्स नहीं करना है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। ज़िद पड़ जाओ कि रिलैप्स नहीं करना है, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए। कितने ही आपको अंदर से आने लगे कि रिलैप्स कर दें, कितने ही आपके ज़्यादा हावी हो जाए, आपके हारमोन्स, आपकी उत्तेजना बढ़ने लगे, कितना ही कुछ हो जाए भाई, कितना ही कुछ, कितनी मुश्किलें आ जाए, पर आपको रिलैप्स नहीं करना है चाहे जो हो जाए। अगर 2 महीने की स्ट्राइक बना लिए तो इसको बनाए रखो, और मजबूत बनो मेरे भाई, मजबूत बनना है और लग रहना है 1 साल ब्रह्मचर्य पालन के लिए। ये मकसद है हमारा, हम सब मिलके पूरा करेंगे 1 साल ब्रह्मचर्य पालन। तो मजबूत बनाओ खुद को, अपनी सोच को बदलो, देखना तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, दुनिया, जब ये सब करोगे तो। तो भाई हमारा मकसद है 1 साल ब्रह्मचर्य पालन, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन है। तो अगर भाई मेरा आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो ज़रा ज़रा इस वीडियो को, और अगर भाई मेरे चैनल पर नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, और जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दो, ताकि मेरे जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर भाई कोई भी प्रॉब्लम है आपका तो भाई टेलीग्राम पर आओ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपके जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ, मैं आपको सॉल्यूशन दूँगा। तो मिलते हैं अगली बार, धन्यवाद।